So we are exploring Rustam right now. ये यहाँ का van stand है. What is this? ये रुस्तम का हाजी आचर का मशहूर मावा आप टेस्ट कर सकते हैं. Sir, this is kind of sweet. होया यार. पकल आनो मतलब पका हुआ अंडा जो कि 20 रुपए का. This is रुस्तम का तीफा. तीफा in trouble. Are you in trouble, तीफा? No. गाइस तो ये है रुस्तम का भट्ठा जिसे हम सिंधी में कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर ईंट्स बनाई जाती हैं. ईंट ये उस्ताद मोहम्मद अली हैं जो कि रुस्तम के बहुत मशहूर मैकेनिक्स हैं. ये गाड़ी की आवाज़ पहचान के बता देते हैं इसमें क्या मसला है क्या नहीं है. ये उनकी गैरेज है. ये बहुत ही नाइस बन रहा है इधर का, इसको शीशा कहते हैं. The first unique thing जो मैंने रुस्तम में देखी है वो ये है कि इधर रूफ टॉप होटल भी है. ये सब इधर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, having cup of tea. लेफ्ट साइड पे ये वॉलीबॉल मैच इंजॉय करते हैं. ठीक है, और राइट साइड पे ये यहाँ की गाड़ियाँ चलती फिरती देखते हैं. सागर स्नोकर क्लब. ठीक है गाइस, हम रुस्तम के एक फौजी से मिलने जा रहे हैं. फौजी खड़ा होता है क्यों लेगा? सीधा हो, सीधा. मोहम्मद आयान. क्या चैनल का नेम क्या है? बनाया नहीं था, बनाया टिकटॉकर नहीं, वो उसके पापा ने बनाया. ये पबजी प्लेयर, ये पबजी प्लेयर, और ये इतना पागल हो जाता है, हर चीजें मांगता फिरता है पबजी में. ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो. पंजाब में जिस तरह आपको हर जगह कीकर के दरख्त जो होते हैं वो नज़र आते हैं, यहाँ पे आपको खजूरें नज़र आएंगे. आप जहाँ भी चले जाएं आपको ये नज़र आएंगे. फहीम, हम किधर आए हैं? हम आए हैं फिश फार्म पर और हमारे बचपन के ग्राउंड पर. काफ़ी सालों बाद मैं आपके साथ ही आ रहा हूँ. जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बिजी होती जाती है लाइफ. यहाँ पर नहाते भी थे मछली फार्म में. मछली फार्म में नहाते थे बचपन में. अभी अभी अगर ऐसा सोचते ना यार, इधर नहाते थे. पांडा ब्रो इज हियर. पांडा ब्रो हमें बताएं, हमें मछली मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी. किस साइज में मिलेगी? जिस साइज में डबल के साइज में. बहुत ज़्यादा पुराना है और इधर ये इसलिए है कि भाई यहाँ से इधर से हम पानी को कंट्रोल करते हैं. विल्ड लाइफ वाले जो होते हैं. और सब प्लान हमजा, हम कैसे पकड़ेंगे मछली? अभी प्लान यही है कि अपने अपने कमीज उतारो और उनका हम जाल बनाएंगे. ठीक है, और फिर हम दो बंदे उसको पकड़ेंगे और फिर हम ऐसे ये है रुस्तम की नहर जनाब. अभी तो ये खाली है पर जब पानी इसमें होता है तो इधर का नज़ारा. साइम क्या? लो जी, वी आर गोइंग टू ट्राई विद दिस कपड़ा. उनको उम्मीद है कि इससे शायद कोई मछली आ जाए. उन नीचे रख, नीचे बिल्कुल जा लगे. ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा मछली थी. ओए इधर अभी हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा जो कि करीबी है गांव में और काफ़ी पुरानी मस्जिद है क्योंकि मछलियों से तो हम आप समझ सकते हैं हमारा दर्द. हम गांव में आ चुके हैं. गांव का नाम है जामिया कुबा और हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो भी जामिया कुबा ही है और ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है और अब हम इधर के वडेरों से पूछेंगे कि ये कितनी पुरानी मस्जिद है. ये इधर का स्कूल है और ये टीचर्स बैठे हुए हैं सारे.
दिस इज काइंड ऑफ डेरा हियर. साथ मटका पड़ा हुआ है, नलका लगा हुआ है, हर तरफ एक कल्चरल सा माहौल है. अमेजिंग आर्किटेक्चर. यू कैन सी और पंखा भी लगा हुआ है इधर. अनस कैसा फील हो रहा है भाई? अच्छा फील हो रहा है यहाँ आकर, पहली बार इस तरह का माहौल देखा है यहाँ पर. तुझे ना लो चाय. शकील तुझे ना लो. लखनऊ तुझे ना लो. दीदार. हम मस्जिद में आ चुके हैं, आप पीछे देख सकते हैं मस्जिद जो पुरानी टाइल्स लगी हुई हैं, कुछ उखड़ी हुई हैं, कुछ लगी हुई हैं. मस्जिद के बिल्कुल साथ एक मज़ार है मोहम्मद जामे का, जो कि जिनके नाम पे ये गांव है. ये जो इधर का मेन मज़ार है, हम अब उधर आए हैं. आप ये डेट देख सकते हैं, 1380 हिजरी ये दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है. ये हैं ज़ुहेब अली जो कि दरगाह पे होते हैं और ये अभी इस टाइम के खलीफा हैं. तो थैंक यू सो मच ज़ुहेब भाई, आपने हमारी बहुत मदद की इसको एक्सप्लोर करने में. इधर के तो आप ये दरख्तों से अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह इनकी शेप है, कितने पुराने होंगे. गुड लक इज़ दैट. मस्जिद एक्सप्लोर करने के बाद हम रस्ते में जा रहे थे तो हमें मछलियाँ भी मिल चुकी हैं, इधर लोग पकड़ रहे हैं. हम रुस्तम गांव वापस आ चुके हैं और यार रजा चुप करो. और रजा चुप नहीं कर रहा. यहाँ का दरबार है पीर सैयद साईं हजूर शाह. जैसा कि आपको पता है मोस्टली जो दरबार होते हैं उनके साथ एक ऐसा ठिकाना होता है जहाँ पे मोस्टली बाबे वगैरह बैठ के भंग पीते हैं, तो वो इधर भी है. और 24 घंटे जो भंग यानी कि बूटी वो अवेलेबल होती है और अब हम वो विज़िट करेंगे कि वो कैसे बनाते हैं और क्या सीन होता है. तो हमें इधर मिले हैं मासाद ज़ुबैर जो कि भंग संग बनाते हैं और वो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, पहले फौज में भी रह चुके हैं और अभी ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं. इसको भंग कहते हैं बम्बर संदने मार्शल आर्ट कौन है. और ये जो है अभी हम इधर कुंडे में भेजा रहे हैं, ये अभी भेजा आ गया. ये भंग इसमें डाल दी, ये सोंडे होती है, काली मिर्च होती है और ये मगध होते हैं. ये भी इसमें हमने सारा मिला दिया. ठीक है ओके. पाइदीन पाइदीन माना दर है. हाँ पाइदीन पानी से निकल जाता है. इसको धुलाई करेंगे, इसको ऐसे धुलाई किया जाता है. भंग को और बाकी चीज़ों को मिक्स करके इसको साफ़ करते हैं क्योंकि जो फसलों पे खाद वगैरह डाली जाती है वो पॉइजन होता है और वो साथ लगा होता है, तो पानी के साथ ये सारा धुल जाता है. अगर हम ये पानी ना निकाले ना साहब, ये पानी ऐसा ना निकाले, इसको धुलाई ना करे ना, तो ये पीने से जो है ना हड में बुखार करती है, जिस्म में हल्का हल्का बुखार करती है, सर में दर्द करती है, जान को जो है कमजोर करती है. अच्छा तो ये कह रहे हैं अगर आप धोए ना उनको तो ये काफ़ी बीमारियाँ आ सकती हैं इसके साथ. तो मुझे इसके फायदे बहुत है, वैसे नशा भी करती है. हाँ अब नशा उसको करेगी जो पहले एक नया नया पिएगा. हाँ मैं पीऊँगा मेरा टन हो जाऊँगा. हाँ जैसे शराब होती है टन, क्या इंसान का दिमाग है अगर सालम रखे तो कुछ भी नहीं. हाँ ये तो है. इसका इमरान साहब वज़ीर आज़म ने भी ऐलान कर दिया है और पूरी हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया है कि इसकी तोखाई करो. ये जो 180 बीमारी पे फायदेमंद है. और छोटा छोटा जो बच्चा है घर में तंग करता है, दर्द करता है, उसको जो है एक दो गुट पिला दो तो वो बच्चा भी सेहत. क्या बात है. पेट में दर्द हो, मादे में गर्माहट पड़े और गुर्दों की बीमारी हो तो उसको जो है ये पिलाओ एक गिलास जड़ी बूटी का, इंशाल्लाह ताला उसको शफा मिल जाएगी. रेडी हो चुकी है. चाचा कैसा फील हो रहा है? चाचा किए तो लगे आने सफाई करारन. यासिर इज़ अ गुड क्रिकेटर, वो कराची में अपनी टीम का कैप्टन भी रह चुका है
और इधर रुस्तम में एक मैच चल रहा है जिसमें यासर इज डूइंग बॉलिंग। ये बकर अभी खेलने जा रहा है, बकर ब्लॉगर देखना कितना बुरा खेलता है ये। बेहतरीन बेहतरीन वो बेहतरीन बकर।